नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके स्टूड। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ेंगे आज ईडम एंड फेरिस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, और उन 20 क्वेश्चन में से भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन ईडम फेरिस के बारे में पूछते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से ईडम फेरिस आज हम पढ़ने वाले हैं। इज एबसेंट माइंडेड, इसका मतलब है टेंडिंग टू फॉरगेट और फेल टू नोटिस थिंग्स। मतलब कि जो है ऐसा व्यक्ति जिसकी टेंडेंसी होती है कि जो है वो कुछ वो चीज़ें भूल जाता है, ठीक है, या नोटिस नहीं कर पाता। जैसे बहुत से होते हैं इंसान कि हमने कोई बात बताई और वो भूल गए, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी जो है गजनी, वो भूल जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं एबसेंट माइंडेड। सेंटेंस देखते हैं, हर एबसेंट माइंडेड हस्बैंड फॉरगेट देयर एनिवर्सरी। मतलब सपोज आप अगर मैरिड हैं और आप अपना ही एनिवर्सरी भूल जाएं, तो आपकी पत्नी क्या बोलेगी आपको, अरे मेरा पति तो एब्सेंट माइंडेड है, ठीक है। तो उस टाइप से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है इन ओपन साइट विदाउट ट्रिक्स या विदाउट डिसऑनेस्टी। मतलब अगर कोई भी व्यापार है या कोई भी ट्रेडिंग हो रही है या मतलब जो है कोई भी कम्युनिकेशन है, उसमें अगर हम ओपन हैं, मतलब कोई भी उसमें डिसऑनेस्टी नहीं है, एकदम फेयर डील हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम अबव बोर्ड। सेंटेंस देखते हैं, द डील बिटवीन टू पार्टीज वॉज कम्प्लीटली ओपन एंड अबव बोर्ड। जैसे आजकल बीजेपी गवर्नमेंट देखते हैं हम, तो जो उसमें जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो उनकी जो डीलिंग है या वो जो भी काम कर रहे हैं वो एकदम ओपन है, ऑनेस्टी है उनके काम में, तो उसको बोलेंगे अबव बोर्ड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज अबव वन सेल्फ। इसका मतलब एक्टिंग विदाउट इनहिबिशन ड्यू टू हाई स्पिरिट या कंसाइटेड। मतलब अगर कोई जिसके माना किसी को एकदम सफलता मिली, उसके अंदर घमंड आ जाए, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अबव वन सेल्फ। सेंटेंस देखते हैं, रीमा सीम्स टू हैव गॉट अबव हर सेल्फ आफ्टर विनिंग द ब्यूटी पीजेंट। ठीक है, आप समझ सकते हैं सेंटेंस से कि रीमा उसने जब ब्यूटी पीजेंट जीता तो वो उसके अंदर घमंड आ गया। मतलब वो अपने को बहुत ज़्यादा समझने लगी। हम बोलते भी ना कि अरे आज को बहुत बन के दिखा रहा है, वो बन के दिखा रहा है उसको। मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, अबव वन सेल्फ, ठीक है। कि कोई किसी चीज़ किसी व्यक्ति को कोई अच्छी चीज़ मिल जाए और वो उसको उसको मिलने के बाद वो इतराना शुरू कर दे, ठीक है ना, अपने को बहुत बड़ा समझने लगे, तो उसको बोलते हैं अबव वन सेल्फ। नेक्स्ट इज अलाइव एंड किकिंग, वेल एंड हेल्दी, लाइवली एंड एक्टिव। ये हम यूज़ करते हैं ईडम, ये ईडम यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए जो पहले भी थी और आज भी वो जिंदा है। जैसे हम बात करें क्लासिकल क्लासिकल डांस, वो पहले भी था, आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना पहले था, ठीक है ना। तो सेंटेंस देखते हैं, द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग अमंग द यूथ ऑफ टुडे। मतलब वो आज भी युवाओं की पसंद है, ठीक है ना। डांस फॉर्म जो है जैसे क्लासिकल हो गया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इस टाइप के जो डांस होते हैं वो आज भी जो है उनका एक अपना एक अलग क्लास है, ठीक है, उनके एक अलग ऑडियंस है, तो उसको ऐसी चीज़ों को के लिए हम यूज़ करते हैं अलाइव एंड किकिंग। नेक्स्ट इज ऑल ईयर्स, मीन्स पेइंग स्पेशल अटेंशन, लिसनिंग अटेंटिवली। ये वर्ड से भी चल रहा है पता है कि दोनों कान, जितने भी आपके कान, मतलब दो कान ही हमारे पास, तो दोनों को लगाना एक जगह, ठीक है ना। मतलब कि कोई चीज़ चल रही है और उसको बहुत ध्यान से सुनना। जैसे अगर आपने देखी होगी दंगल मूवी, तो आपके दोनों कान लगे हुए होंगे उस पर, आपको आज भी स्टोरी याद होगी उसकी, दंगल में क्या हुआ था, किस किस इवेंट, मतलब किस इंसिडेंट के बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ था, किस शॉट के बाद कौन सा शॉट हुआ था, तो आपको वो याद है ना। क्यों याद है, क्योंकि आपने बहुत अटेंटिवली उसको देखा है। तो उस जगह पर हम यूज़ करते हैं ऑल ईयर्स। सेंटेंस देखते हैं, आई वॉज ऑल ईयर्स एज अमर टोल्ड मी दैट एक्साइटिंग एक्साइटिंग स्टोरी, ठीक है ना। सेंटेंस से समझ में आ रहा होगा कि देखिए जब अमर ने एक्साइटिंग स्टोरी सुनाई तो जाए मेरे कान वहीं लगे हुए थे, मतलब मैं बहुत ध्यान से वो सुन रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑल आइज एंड ईयर्स, ये भी आप वही चीज़ें ऊपर की तरह ही है ये। अब इसमें ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब कि देखिए एकदम ईगरली किसी चीज़ को देखना, ठीक है, या मतलब जो है बहुत ही ध्यान से उस चीज़ के को नोटिस करना, उसको बोलते हैं ऑल आइज एंड ईयर्स। द जर्नलिस्ट वर ऑल आइज एंड ईयर्स एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्नलिस्ट की आइज़ और ईयर्स जो भी वहाँ पर लोग आए थे या जो भी गेस्ट था उस पर ही थी, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब कि केयरफुली बहुत ही ध्यान से कोई चीज़ को देखना, तो हम यूज़ करते हैं इस ईडियम को। नेक्स्ट इज ऑल इन, मीन्स एग्जॉस्टेड, एकदम खत्म हो जाना, ठीक है ना, एनर्जी पूरी खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं ऑल इन। सेंटेंस देखते हैं, दे वर ऑल इन आफ्टर द लॉन्ग वॉक। लॉन्ग वॉक करने के बाद जब वापस आए तो वो खत्म एग्जॉस्ट हो चुके थे, उनकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट इज ऑल सेट, ऑल सेट का मतलब प्रिपेयर्ड थॉरली रेडी, मतलब हम एकदम तैयार हैं जाने के लिए। ये तो बड़ा आप बहुत बार यूज़ करते होंगे, माना शादी में जाना है तो जो है मम्मी पूछते हैं तैयार हो गए क्या, आप बोलते हैं आई एम ऑल सेट, मैं तैयार हूँ बिल्कुल। इसका मतलब क्या कीजिए कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ। तो सेंटेंस देखते हैं, आई एम ऑल सेट टू लीव फॉर माई वैकेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है कि वैकेशन पर जाने के लिए मैं एकदम तैयार था, तैयार हूँ। द एप्पल ऑफ वन आई, मोस्ट फेवरेट पर्सन, सम वन इज़ वेरी प्रीशियस, जो बहुत ही कीमती हो आपके लिए, बहुत ही फेवरेट हो आपका, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वन आई, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं, ही लव्ड हिज डॉटर वेरी मच, शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आई। वो अपनी डॉटर को बहुत ही प्यार करता था क्योंकि
वो उसके शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आई, मतलब वो उसकी बहुत ही प्रीशियस चीज़ थी। या कोई भी आपका प्रीशियस, कोई भी आपका प्रीशियस चीज़ हो, आपका कोई फ्रेंड है, तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्म टू द टीथ, मीन्स हैवीली आर्म्ड कैरिंग मैनी वेपन्स। वो पर्सन जो बहुत सारे वेपन्स लेकर चलता है उसको बोलते हैं हम आर्म टू द टीथ। सेंटेंस देखते हैं, नो वन वुड डेयर टू रॉब दैट बैंक, द सिक्योरिटी स्टाफ इज आर्म टू द टीथ। कोई किसी की भी हिम्मत नहीं है उस बैंक को लूटने की, क्योंकि जो वहाँ के स्टाफ था वो मतलब प्रॉपरली मतलब तैयार है, वो उसके पास बहुत सारे वेपन है, इसलिए कोई हिम्मत नहीं दिखा पाता। ठीक है, जैसे हमारे जवान होते हैं बॉर्डर पे, तो जो है वो पूरे आर्म टू द टीथ होते हैं, सारे उनके हथियार उनके पास ही होते हैं, कब कौन सी संकट उनके सामने आ जाए, कब उनको गोलीबारी करनी पड़ जाए, तो इसलिए वो आर्म टू द टीथ। नेक्स्ट इज अप इन आर्म्स, मीन्स टू बी वेरी एंग्री। अगर कोई अगर बहुत गुस्से में है तो उसको बोलते हैं अप इन आर्म्स। सेंटेंस देखते हैं, टीचर्स आर अप इन आर्म्स विद द स्टूडेंट। बच्चों ने कुछ गलती करी होगी तो इसलिए टीचर नाराज हो गया, तो इसलिए हमने बोल दिया क्या, टीचर्स आर अप इन आर्म्स विद द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज एट आर्म्स लेंथ, सेंटेंस से चलना पता कीजिए कि एक हाथ की दूरी पे कोई चीज़ है उसको बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ, एट अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम वंस बॉडी। हमारी बॉडी से दूर है कोई चीज़ या कुछ डिस्टेंस पर है, उसको बोलते हैं हम एट आर्म्स लेंथ। सेंटेंस देखते हैं, कशा हैड द टेलीफोन एट आर्म्स लेंथ, कशा अपने टेलीफोन को एक हाथ की दूरी पे रखती है। ठीक है, नेक्स्ट इज हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, इसका ये बहुत ही बार पूछा गया है दोस्त एग्जाम में। इसका मतलब है कि किसी का एक मतलब अपना पर्सनल कोई रीज़न, कोई कारण है किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, या कुछ करना है उसको किसी को, किसी दूसरे बंदे को। ठीक है ना, उसका पर्सनली कुछ इसका सेल्फिश रीजन है, इसलिए वो कुछ करना चाह रहा है, उसको बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। सेंटेंस से चल रहा है पता कीजिए कि अपना ही हथियार ग्राइंड करने के लिए। ठीक है, मतलब अपने रीज़न के लिए किसी के लिए कुछ करना, अपना अपने लिए कुछ सेल्फिश रीज़न है आपका, और तब आप कुछ कर रहे हैं दूसरे के लिए, तो उसको बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। सेंटेंस देखते हैं, सम न्यू रिपोर्ट्स मे बी बायस्ड बिकॉज द रिपोर्टर्स हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टीवी पर आजकल देखते भी होंगे जो है डिफरेंट चैनल्स जो है रिपोर्ट दिखाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट किसी चैनल पर कुछ आती है, किसी चैनल पर कुछ आती है। क्यों? क्योंकि हर रिपोर्टर्स का अपना एक्स होता है ग्रैंड करने के लिए, मतलब उनको किस न्यूज़ से फ़ायदा मिलने वाला है वो वही न्यूज़ चलाएंगे। ठीक है, तो उसका मतलब क्या कीजिए कि हैव एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट इज एट अ स्टोन्स थ्रो, समझ में आ रहा है, माना एक पत्थर आपने फेंका, ठीक है ना, ज़्यादा दूर हो जाएगा नहीं, पास में जाएगा, मतलब जो कि आपके बहुत बहुत नज़दीक है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एट अ स्टोन थ्रो। तो सेंटेंस देखते हैं, माई फ्रेंड्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइंड, मेरे फ्रेंड का घर जो है मेरे घर से बहुत ही नज़दीक है, तो हम बोलेंगे उसको एट अ स्टोन्स थ्रो। नेक्स्ट इज एट वंस फिंगर टिप, ये तो बहुत बार टीचर्स बोलते हैं कि अपनी उंगलियों पे आपको आपको टेबल उंगलियों पे होनी चाहिए याद, एट योर फिंगर्स टिप बोलते हैं ना कई बार, उसका मतलब क्या है कि आपको उस बारे में कंप्लीट नॉलेज हो, या आपको वो चीज़ कंप्लीटली याद हो चुकी हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि देखिए इंग्लिश के रूल्स आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, तभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो उसका मतलब आपको इंग्लिश के रूल्स की पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं पूरे के पूरे। सेंटेंस देखते हैं, ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट हिज फिंगर टिप्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल सेंटेंस है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज बैक बाइटिंग, यही सेंटेंस बहुत पॉपुलर है, हम मतलब जो दोस्तों में अधिकतर बात होती रहती है कि देखिए ये तो तेरी बैक बाइटिंग करता है, मतलब किसी के एब्सेंस में अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंस में, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम बैक बाइटिंग। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, बैक बाइटिंग इज अ बैड हैबिट, वो तो होती ही हम जानते हैं। ठीक है, तो किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसकी एब्सेंस में, और वो भी नेगेटिव सेंस में उसकी बुराई कर रहा है, तो उसको बोलते हैं बैक ब्रेकिंग। डिमांडिंग ग्रेट एफर्ट एग्जॉस्टिंग, मतलब कोई काम जिसमें बहुत ही ग्रेट एफर्ट चाहिए, या ऐसा काम की जाए जो जिसको करने से हम एग्जॉस्ट हो जाए, हमारी एनर्जी पूरी लॉस हो जाए, उसको बोलते हैं बैक ब्रेकिंग, कमर टूट जाना, जिसको हिंदी में बोलें तो कमर टूट जाना। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, दे डोंट पुट द सेम बैक ब्रेकिंग, मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है कि वो हमारे ऊपर उतना दोबारा भार नहीं डाल सकता है, दोबारा वो काम वो नहीं दे सकता भाई, जिससे कि जाए हम एग्जॉस्ट हो जाएँ, समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, बैक ब्रेकिंग मतलब कमर टूट जाना। नेक्स्ट इज बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट एंड इंसल्ट दैट इज सपोज टू सीम लाइक अ कॉम्प्लीमेंट, ऐसा इंसल्ट जो सुनने में तो लगता है कॉम्प्लीमेंट है बट वो एक तरीके से इंसल्ट है। ठीक है ना, एक ऐसी ही बात हम कहें किसी को कि वो सुनने में तो लगे कि वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है हमें, लेकिन वो हमारी इंसल्ट भी कर रहा है साथ साथ, तो उसको बोलते हैं बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस, शी टोल्ड हिम दैट ही लुक्ड मच बेटर देन ही यूजुअली डिड विच वॉज अ बिट ऑफ बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, वो क्या कह रही है कि जो उसने किसी पर्सन को देखकर ये कहा कि वो पहले से अच्छा लग रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट है कि अच्छा लग रहा है, बट साथ में इंसल्ट क्या कह रही है कि पहले वो अच्छा नहीं लगता था। ठीक है ना, तो मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें इंसल्ट भी हो और इंसल्ट के साथ हम कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हो किसी को, उसको बोलते हैं हम बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज बैक ऑफ बियॉन्ड, अ वेरी रिमोट एंड इनएक्सेसिबल प्लेस, ऐसा प्लेस जो कि एक्सेसिबल ना हो, बहुत दूर हो, ठीक है ना, ज़्यादा वहाँ पर आवाजाही ना हो, तो उसको बोलते हैं बैक ऑफ बियॉन्ड। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, यू वुड हैव टू गो टू द बैक ऑफ बियॉन्ड टू फाइंड वन ऑफ दोज, आपको ऐसे प्लेस पे जाना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए जो कि बैक ऑफ बियॉन्ड है, जो इनएक्सेसिबल प्लेस है वहाँ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बिहाइंड वंस बैक, सो इसका है इन वंस एब्सेंस, मतलब किसी के एब्सेंस में कोई काम कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं बिहाइंड वंस बैक। सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज टॉकिंग नॉनसेंस बिहाइंड माई बैक व्हेन आई अराइव्ड,
वो मेरे बारे में नॉनसेंस बातें कर रहा था जब मैं आया, तो साफ साफ चल रहा पता सेंटेंस है कि बिहाइंड माय बैक का मतलब कि मेरे पीठ पीछे कुछ भी काम होना उसको बोलते हैं बिहाइंड वंस बैक। नेक्स्ट इज बैक स्क्रैचिंग, डू समवन अ फेवर होपिंग दैट अ फेवर विल बी रिटर्न, किसी के प्रति कुछ सहायता करना और ये आशा करना कि दूसरे से भी हमें वही सहायता या उसके इक्विवेलेंट सहायता हमें मिलेगी वापस, तो उसको बोलते हैं बैक स्क्रैचिंग। तो सेंटेंस देखते हैं, आई डोंट माइंड हेल्पिंग हिम आउट दिस टाइम ही इज़ स्क्रैच्ड माई बैक मैनी टाइम्स, तो साफ साफ बोल रहा है वो कि उसने मुझे बहुत बार हेल्प की है तो मैं उसकी हेल्प करने में नहीं माइंड करूँगा, नहीं हिचकिचाऊंगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा हो कि जैसे कि हम हमारी आशा हो कि जैसे कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं वापस हमें लौट के दोबारा वो हेल्प करेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम बैक स्क्रैचिंग। नेक्स्ट इज़ बैड ब्लड, फीलिंग ऑफ हेट बिटवीन टू फैमिलीज़, अगर दो फैमिलीज़ हैं दो परिवार हैं उनके बीच में अगर घृणता की भावना है उनके बीच में अगर हेट है तो उसको बोलते हैं हेट, मतलब कि नाराजगी है कोई दुश्मनी है छोटी मोटी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बैड ब्लड, जो अक्सर दो भाइयों में हो जाती है या दो फैमिलीज़ में हो जाती है उसको बोलते हैं बैड ब्लड। सेंटेंस देखते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन दीज टू फैमिलीज़, ठीक है, साफ समझ में आ रहा है कि जो इन फैमिलीज़ के बीच में कुछ हेट की फीलिंग। नेक्स्ट इज बी इन समबडीज बैड बुक्स, सो उसका सेंटेंस इसका देखते हैं idiom का मतलब, टू बी इन डिसग्रेस आउट ऑफ फेवर विद समवन, मतलब या तो वो किसी से अपमानित है या मतलब जो है वो किसी के द्वारा रिस्पेक्टेड नहीं है, वो इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उसको बोलते हैं हम बी इन समबडीज बैड बुक्स, समझ में आ रहा है कि जो किसी की ख़राब किताब में होना, मतलब कि देखिए जो है कोई पर्सन है किसी दूसरे पर्सन को अगर उसने रिस्पेक्ट नहीं दे रहा उसको मानता नहीं है कुछ भी, तो उसको बोलते हैं हम बी इन समबडीज बैड बुक। तो सेंटेंस देखते हैं, इफ़ यू आर इन समबडीज बैड बुक दे आर नॉट प्लीज्ड विद यू, अगर आप किसी के सामने आपकी रिस्पेक्ट नहीं है या आपको कोई नहीं समझता कि आपकी कोई वैल्यू नहीं करता तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते कैसे भी, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट इज़ अ बैड डेब्ट, अनरिकवरेबल मनी, ऐसा पैसा जो रिकवर ना हो सके, जैसे केस चल रहा है माल्या के ऊपर, विजय जो ये है माल्या, तो उसने लोन लिया काफ़ी SBI बैंक से और भी बैंकों से लोन लिया, तो वो क्या हुआ वो बैड डेब्ट में आ चुका है ना कि वो रिकवर नहीं हो पा रहा पैसा, बार बार समन भेज रहे हैं कोर्ट लेकिन वो पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा, तो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट, ऐसा पैसा जो कि मरने की स्थिति में हो या मर जाए या पता हो कि हाँ वो अभी नहीं आ रहा मर सकता है, उसको बोलते हैं हम बैड डेब्ट। नेक्स्ट इज बैड लैंग्वेज, वल्गर लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो ख़राब होती है बोलने में, गाली गलौज करना या बुरी बात कहना, तो उसको बोलते हैं बैड लैंग्वेज। सिंपल एक एरिया में समझ में आता है पढ़ के इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट इज बी बैडली ऑफ, मीन्स विदाउट एनफ मनी टू गेट बाय और पुअर, ऐसा मतलब ये एडियम है जो बताता है कि किसी के पास इतना पैसा नहीं कीजिए कि वो कोई अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरी कर सके, मतलब एक तरीके से गरीब है, उसको बोलते हैं हम बी बैडली ऑफ, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं, दे आर नॉट बैडली ऑफ बट दे डोंट हैव मच मोर टू स्पेयर, वो इतने पुअर भी नहीं है लेकिन उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि जो है वो खर्च कर सकें एक्स्ट्रा, ठीक है ना, तो इसलिए ये सेंटेंस का मतलब समझ में आता है। नेक्स्ट इज गेट द बॉल रोलिंग, तो उसका देखते हैं, टू गेट अ प्रोसेस स्टार्टेड टू स्टार्ट सम एक्शन, मतलब कि अगर हम कोई काम को स्टार्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं गेट द बॉल रोलिंग, या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं स्टार्ट करना शुरू करें तो उसको बोलते हैं गेट द बॉल रोलिंग। सेंटेंस देखते हैं, ही इज शाय सो ही ऑलवेज वेट्स फॉर अनदर पीपल टू गेट द बॉल रोलिंग, वो बहुत शर्मीला है इसलिए वो हमेशा वेट करता है कि जो कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट करे तब मैं स्टार्ट करूँ। बहुत से लोग होते हैं आपके फ्रेंड्स के बीच में, आप देखते भी होंगे, आपको शर्म आएगी, आप सोचते हैं अरे कोई दूसरा बोलना शुरू करे तब मैं बोलूँ उस बारे में, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं गेट द बॉल रोलिंग कि कोई स्टार्ट करे प्रोसेस उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट इज बेयर फेस्ड लाई, मीन्स अ डेलिबरेट फॉल्सहुड, मतलब ध्यानपूर्वक बोला गया झूठ उसको बोलते हैं बेयर फेस्ड लाई, सोच समझ के ध्यान से झूठ बोलना उसको बोलते हैं हम बेयर फेस्ड लाई। सेंटेंस देखते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट सेल्स पीपल ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे बट दैट वाज अ बेयर फेस्ड लाई, आज मतलब जो है अधिकतर जो है यूजुअली बहुत से सेल्स पीपल आते हैं घरों में सामान बेचने के लिए, जैसे RO बेचने बहुत आते हैं तो वो उसकी बताएंगे खूबी आ कीजिए कि ये करता है वो करता है, ठीक है ना, हमें समझ में भी आता है, वो दिखाते भी हैं कि जो कि पानी में इतनी गंदगी सब कुछ दिखाते हैं, मतलब अपनी बात को पॉजिटिव वे में रखते हैं बट साफ साफ भी दिखता है हमें कि जो कि वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ उसमें सच्चाई पूरी तरह नहीं होती, कुछ झूठ भी होता है, तो उसको बोलते हैं हम बेयर फेस्ड ब्लैक। नेक्स्ट इज विद वंस बेयर हैंड्स विदाउट वेपन्स और टूल्स, ठीक है, मतलब बिना हथियार के उसको बोलते हैं विद वंस बेयर हैंड्स। नेक्स्ट इज बेयर माने होता है कि जो कि खाली हाथ, ठीक है, बेयर हैंड्स मतलब खाली हाथ। सेंटेंस देखते हैं, पुलिस बिलीव द किलर पंच्ड हर टू डेथ विद हिज बेयर हैंड्स, तो सेंटेंस समझ में आ रहा है, पुलिस ने ये बिलीव किया कि जो किलर ने उसको मतलब जो बिना वेपन से मारा है। नेक्स्ट इज बियर इन माइंड टू रिमेंबर अ यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ऐसी बात माइंड में रखना जो इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं बियर इन माइंड। सो सेंटेंस देखते हैं, बियर इन माइंड दैट आई एम नॉट एज यंग एज आई वॉज सो डोंट वॉक सो फास्ट, तो ये ध्यान में रखो कि जो है मैं इतना यंग नहीं हूँ जितना मैं पहले था इसलिए धीरे चलो, सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात की जाए कि जो हमें रिमेंबर रखनी है माइंड में, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो क्या होता है कि उनके अपने स्कूल होते हैं कुछ भी, तो अगर हम जाके मजाक कर दें उनसे या कुछ ऐसी हरकत कर दें उनको नाराजगी हो तो बोल देते हैं वो साफ साफ की जाए कि ध्यान रखना आगे से मुझे पसंद नहीं है चीज़ें, तो वो दैट इज़ अ बियर इन माइंड कि ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज टू बीट अबाउट द बुश,
इसका मतलब क्या है कि टू डिस्कस अ टॉपिक विदाउट बीइंग स्पेसिफिक अबाउट एनीथिंग, ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना जिसके बारे में हम जानते ही ना हो या हमें पूरी तरह उसकी नॉलेज ना हो, तो उसको बोलते हैं टू बीट अबाउट द बुश। सेंटेंस देखते हैं, आवर बॉस ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश व्हेन ही हैज़ टू टेल अस बैड न्यूज़। जब भी हमारे बॉस को कोई बैड न्यूज़ बतानी होती है तो वो उसको नॉलेज नहीं होती उस चीज़ की, वो अपना कुछ भी बोलता है उस बारे में। इसका मतलब क्या है कि वो बीट अबाउट द बुश, वो ऐसे टॉपिक पे डिस्कस कर रहा है इसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है या कम नॉलेज है। अ बेड ऑफ रोजेज, इसका मतलब अ कंफर्टेबल और लग्जूरियस पोजीशन और इजी ऑप्शन, मतलब ऐसा ऑप्शन जो बहुत इजी है, या मतलब जैसे हम बात करते हैं कि बहुत ही अमीर आदमी है उसका कोई लड़का या कोई भी रिलेटिव है, ठीक है ना, तो वो उसका उसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, बहुत कंफर्टेबल होगी ना, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा, उसके घर में एसी होगा, सब चीज़ सब सुविधाएं होंगी, तो उसको बोलते हैं अ बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, शी फाउंड दैट टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स वॉज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। वो ये सोचती है कि देखिए ओल्ड पेरेंट्स का की सेवा करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज बी इन वंस बोनेट, इसका मतलब टू बी ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया और बी पोजेस्ड विद वन थॉट। अगर हम किसी एक थॉट को लेकर उसके लिए पॉजिटिव हैं, मतलब हम केवल उसी बात को मान रहे हैं, या हमें किसी चीज़ का चस्का लग गया है किसी आइडिया का, मतलब हमें वो आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं बी इन वंस बोनेट। ठीक है, माना किसी को मैच देखने का क्रिकेट देखने का चस्का लग जाए, तो उसको बोलते उसको अगर हमें अपनी भाषा में बताना है तो क्या बोलेंगे, बी इन वंस बोनेट। सेंटेंस देखते हैं, आई प्रेफर नॉट टू शो दैट आई हैव अ बी इन माई बोनेट अबाउट दिस प्लान। मैं इसका मतलब है सेंटेंस का कि मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा शो करना कि देखिए मेरे पास कुछ अच्छा अपने प्लान के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट इज बी द बेस्ट बेट, बेस्ट चांस फॉर सक्सेस। अगर कोई सक्सेस का बेस्ट चांस, सक्सेस पाने का बेस्ट चांस अगर आपके पास है, तो उसको हम दिखाएंगे कि सेंटेंस से बी द बेस्ट बेट। सेंटेंस देखते हैं, द पायलट्स बेस्ट बेट वॉज टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग। तो पायलट का जो बेस्ट चांस है मतलब सक्सेस का, वो क्या है कि वो इमरजेंसी लैंडिंग बहुत अच्छी करता है। नेक्स्ट इज बिलो द बेल्ट मीन्स टू बी मीन एंड अनफेयर और अनएक्सेप्टेबल। मतलब इसका क्या है कि ऐसे लोग जो एक्सेप्टेबल नहीं होते सोसाइटी के अंदर, या कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि उनका काम एक्सेप्टेबल ना हो, उसको बोलते हैं बिलो द बेल्ट। जैसे शमा ऑलवेज फाइट्स बिलो द बेल्ट, शी दिस इज़ द रीज़न नो वन इन द सोसाइटी लाइक्स टू आर्ग्यू विद हर। शमा हमेशा फाइट करती है, ठीक है ना, लोगों से, ठीक है, बेवजह की बातों पर, इसलिए कोई उससे आर्ग्यू करना पसंद नहीं करता। तो मतलब अगर हम हमेशा लड़ाई कर रहे हैं या किसी बात को बार बार कर रहे हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, सोसाइटी के लिए हित में नहीं है या अनफेयर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट इज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा होगा ये चीज़ कि हम अपनी एबिलिटी से ज़्यादा अगर कोई चीज़ को करते हैं, काम करते हैं, हमारी इतनी एबिलिटी नहीं है, उतना हमारे अंदर क्षमता नहीं है, और उससे ज़्यादा हमने काम ले लिया, तो उसको बोलते हैं हम बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। जैसे बाई एक्सेप्टिंग टू पार्ट टाइम जॉब्स शी इज़ क्लियरली बाइट ऑफ मोर देन शी कैन च्यू। दो जॉब एक साथ लेकर ये साफ साफ शो होता है कि देखिए उसने अपनी एबिलिटी से ज़्यादा काम ले लिया। नेक्स्ट इज ब्लैक एंड वाइट, दोस्तों जब ये आइडम फ्रेज बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ राइटिंग में ले रहे हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। जैसे द डील मस्ट बी इन ब्लैक एंड वाइट, जो डील हो वो राइटिंग होनी चाहिए, जो भी हम बात जो भी हमारे बीच में शर्तें मानी गई हैं वो हमें साइन चाहिए उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लैक मार्केट, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स इन एन इलीगल वे। अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं खरीद रहे हैं इलीगल वे में, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ब्लैक मार्केट। जो ये तो बहुत कॉमन सेंटेंस है, जैसे ब्लैक, जब दंगल मूवी आती है या सलमान की कोई मूवी रिलीज होती है तो उसमें टिकट ब्लैक में बेचते हैं, तो दैट इज़ व्हाट ब्लैक मार्केट। या कस्टम्स डिपार्टमेंट में मेनली बहुत सारा काम ऐसा होता है जो कि इलीगल वे में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम ब्लैक मार्केट। या किसी भी कोई भी व्यापारी सामान जहाँ बिकता है, जहाँ खरीदते हैं हम सामान को, तो वहाँ पर जो है जहाँ पर भी ऐसा काम इलीगल वे में हो रहा है उसको बोलते हैं हम ब्लैक मार्केट। जैसे एनिमल्स स्किन सोल्ड इन द ब्लैक मार्केट। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि जैसे सेंटेंस का मतलब क्या है कि एनिमल की जो स्किन है वो ब्लैक मार्केट में सोल्ड की गई। नेक्स्ट इज बी द ब्लैक शीप, द लीस्ट रेपुटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप या वर्स्ट मेंबर। ऐसा पर्सन जो कि जो जिसकी बहुत कम इज्जत हो, जो बहुत कम फेमस हो, या फिर सबसे ख़राब मेंबर जो होता है उसको बोलते हैं बी द ब्लैक शीप। जैसे मेघन प्रूव्ड टू बी द ब्लैक शीप अमंग हिज फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के बीच में मेघन जो है सबसे ख़राब मेंबर है या सबसे कम रेपुटेबल मेंबर है। नेक्स्ट इज ब्लेज अ ट्रेल मीनिंग फाइंड अ न्यू पाथ और मेथड या बिगिन अ न्यू अंडरटेकिंग। अगर हम कोई ऐसा नया पाथ ईजाद कर रहे हैं, नया पाथ लेके आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लेज अ ट्रेल। जैसे हिज रिसर्च ब्लेज अ ट्रेल फॉर न्यू काइंड ऑफ थेरेपी। तो उनकी जो रिसर्च है वो एक ऐसा पाथ लेके आई, ऐसा मेथड लेके आई जिससे कि थेरेपी के नए नए काइंड हम ढूंढ पाए या हमें मिल पाए। ओके, ब्लाइंड एली, एली का मतलब होता है गली, ब्लाइंड एली मतलब अंधी गली। अंधी गली मतलब कि जैसे कि ऐसा पाथ जहाँ पर आगे कोई प्रोग्रेस का की जगह ही नहीं है, आगे सक्सेस का कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब जिसका इन एंड आउट एक ही है, ठीक है, जाने आने का रास्ता एक ही है, तो उसको बोलते हैं हम ब्लाइंड एली। द लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी मे टर्न आउट टू बी अ ब्लाइंड एली।
ठीक है, समझ में आ रहा सेंटेंस सिंपल है कि जो ये जो लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी हुई है ये एक तरीके से क्या है, कोई इसका प्रोग्रेस नहीं है, कोई सक्सेसफुल थ्योरी नहीं है। नेक्स्ट इज ब्लाइंड डेट, समवन यू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू हैव अ डेट विद देम, अगर किसी से आपको मिलना है और फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो उसको बोलते हैं ब्लाइंड डेट। जैसे माना कि आपकी गर्लफ्रेंड है, फर्स्ट टाइम आपसे मिली हो तो आप बहुत नर्वस रहोगे उस टाइम पे, या आपकी गर्लफ्रेंड बहुत नर्वस रही होगी, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड डेट। इट वॉज अ ब्लाइंड डेट एंड शी वॉज नर्वस। नेक्स्ट इज ब्लड कर्डलिंग, कर्डलिंग मतलब जमना, कर्ड मतलब दही जमती है ना, उस टाइप से अगर हमारा खून जम जाए, खून कब जमता है हमारा, जब हम बहुत डर जाते हैं, तो हॉरिबल कॉजिंग एक्सट्रीम टेरर, बहुत डर जाएं तो उसको बोलते हैं ब्लड कर्डलिंग। द नेबर्स हर्ड ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम्स एंड कॉल्ड द पुलिस, जब नेबर्स ने मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीखें सुनी तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। नेक्स्ट इज ब्लडी माइंडेड, अनविलिंग टू कॉपरेट, ऐसे पर्सन जो कि कॉपरेट नहीं करना चाहते उनको बोलते हैं ब्लडी माइंडेड। राम इज नॉट ब्लडी माइंडेड पर्सन, राम ऐसा पर्सन नहीं जो कि ब्लडी माइंडेड है, मतलब वो कॉपरेट नहीं करता, ऐसा वो पर्सन नहीं है। नेक्स्ट इज बिलो वंस ओन ट्रम्पेट, जो अपनी ही बात करता रहता है, मतलब अपनी जो अचीवमेंट उसको बताता रहे, अपने को बहुत प्राउड फील करे, उसको बोलते हैं बिलो वंस ओन ट्रम्पेट। टू टॉक अबाउट वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट स्पेशली इन अ वे दैट शोज दैट वन इज प्राउड और टू प्राउड, ओके। फॉर एग्जाम्पल ही हैड अ वेरी सक्सेसफुल ईयर एंड हैज़ एवरी राइट टू ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, ये साल उसका बहुत अच्छा रहा था तो इसलिए उसके बाद पूरा राइट है कि वो अपनी बातों का गुणगान करे, अपनी विशेषताओं को बताए, तो उसको पूरा राइट है। थैंक यू दोस्तों इस सेशन को सुनने के लिए, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं, मैंने उसको डाले हैं, आगे भी मैं और वर्ड्स आपको बताऊंगा आइटम फ्रेजेस में, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कोशिश कर रहा हूँ वही इंक्लूड करने की जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या एक्सपेक्टेडली पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ इसको देखिए, अगर आपको पसंद आता है इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए, जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उनको बताइए कि देखिए वो वीडियो को देखें। बहुत ही कम टाइम में एग्जाम्पल्स देके मैंने समझाया जिससे कि आपके माइंड में बहुत लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।